तो और मीमर लोग क्या हाल है भाई। तो ये है एक और एडवांस मीम ट्यूटोरियल। तो अभी रिसेंटली मेरे पास एक ये मीम आया, तो मैंने सोचा इसका एक ट्यूटोरियल आपको दे दूंगी, ऐसे एडवांस मीम अपने फ़ोन से कैसे बन सकते हैं। तो मीम देखो पहले, सबसे पहले आप, उससे पहले एक बात बताना थी कि इस मीम बनाने में जितनी भी 3-4 स्टॉक फुटेजेस यूज़ हुई है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और कहाँ प्रोवाइड करूंगा वो मैं आपको एंड में बता दूंगा। तो लास्ट तक देखना वीडियो को। तो ज़्यादातर लोगों को तो समझ आ गया होगा, बट जिन लोगों ने मिर्ज़ापुर नहीं देखी उनको ये समझ नहीं आया होगा। तो भाई एक्चुअली में ये एक फेक सीन क्रिएट किया हुआ है, एक्चुअली में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। देखो आप ओरिजिनल क्लिप देखो और ये एडिटेड क्लिप, कालीन ब्याह की फेक डेट क्रिएट करी हुई है यहाँ पर, और यही चीज़ मैं आपको अपने फ़ोन में करके दिखाऊंगा। तो अगर मैंने ये चीज़ फ़ोन में करके दिखा दी तो आपको भी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और कमेंट में नीचे लिख देना कि सब्सक्राइब, पर झूठ मत बोलना यार, क्योंकि मुझे पता चल जाता है किसने सब्सक्राइब किया हुआ। तो चलो सबसे पहले तो आपका काइन मास्टर ऐप ओपन कर लो, फिर मीडिया वाले ऑप्शन में उसमें जा करके आपकी फाइल को इम्पोर्ट करो। यार जो लोग काफ़ी यूज टू नहीं है एडिटिंग के, तो उनके लिए ये मीम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो इस वीडियो को 2-3 बार देख लो, या फिर इसकी थोड़ी सी स्पीड कम करके देख सकते हो। और मैं सेम क्लिप को यूज करूंगा क्योंकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। वैसे अगर मैं चाहता तो कोई सी नॉर्मल क्लिप के साथ भी मैं ये करके दिखा सकता था, जिसमें काफी कम दिक्कत आती, क्योंकि यार ये क्लिप में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। बट आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए, इसलिए मैं सेम यही क्लिप को यूज करूंगा। तो आप कुछ मत करो, बस आप मुझे इजीली फॉलो करते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, वो जगह को ढूंढना है जहाँ पर हमको गन शूट करवाना है। ओके, तो यहाँ पर ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस क्लिप को सिलेक्ट करूंगा और जो सीजर वाला आइकॉन है यहाँ पर मैं जाऊँगा, और जो लास्ट वाला ऑप्शन है स्प्लिट एंड इंसर्ट इज फ्रीज फ्रेम, इसको सिलेक्ट करूँगा। तो इसमें क्या हुआ, उस पर्टिकुलर एरिया पे जो फ्रेम थी वो फ्रीज हो गई। ठीक है, अब हम मतलब एक तरह से स्क्रीनशॉट इसका सेव हो चुका है हमारे पास, तो इसी को हमको थोड़ा सा छेड़छाड़ी करना है। और वैसे तो ये अपने आप सेव हो जाती है स्क्रीनशॉट हमारी गैलरी में, बट अगर फिर भी नहीं हो तो इस ऑप्शन पर जा करके आप कैप्चर एंड सेव कर सकते हैं, तो ऐसे भी करके हो जाएगी। तो ये हमने क्यों किया, क्योंकि यार हमको है ना अब उस जो इमेज को हमने सेव किया ना स्क्रीनशॉट को, तो उसमें से हमको कैसे भी करके जो कालीन भी है उनको गायब करना है, हटाना है। तो उसके लिए हम एक फोटो रिटच करके एप्लीकेशन है उसको यूज़ करेंगे, मैं लिंक दे दूंगा सब। तो इसमें एल्बम वाला जो ऑप्शन है इसमें जा करके हमारी इमेज को ओपन करना है। तो अब मैं एक दिक्कत की बात कर रहा था ना आपको स्टार्टिंग में, तो ये दिक्कत है। अब आप ही बताओ, इतनी बड़ी इतनी ज़्यादा फ्रेम ले रहे हैं कालीन भी, तो इनको निकालना कितना मुश्किल सा हो रहा है, मतलब इम्पॉसिबल ही एक तरह से इसको निकालना। अगर हाँ हम बात करें मुन्ना भैया की, तो वो इजीली निकल सकते थे, या किसी और चीज़ की, तो वो आराम से ऑब्जेक्ट निकल जाती बिना दिक्कत के। तो इसीलिए मैंने यही क्लिप उठाई ताकि आपके सामने पर अगर इन फ्यूचर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप घबराओ ना, कैसे फिक्स करते हैं उसके बारे में सोचो। तो चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसका। तो यहाँ पर आपको नीचे दिख रहे होंगे दो ऑप्शन, एक ब्रश और एक लेजो करके एक ऑप्शन है, तो सेकेंड वाले को सिलेक्ट करना है और बस आउटलाइन पर ड्रॉ कर लेना है मुन्ना भैया की। ठीक है, कालीन भैया की सॉरी। जैसे ही आपका ये सिलेक्ट कर लो आप, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको पेंसिल का ऑप्शन दिख रहा होगा ब्रश का, उसको सिलेक्ट करके जो बाकी का पार्ट था उसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं जो रह गया था। वैसे इतना कुछ ज़रूरी नहीं है डिटेल को, तो मैं फर्स्ट टाइम मैं भी आज यूज़ कर रहा था, तो मेरे को लगा ज़रूरी होगा। तो ठीक है, गो का बटन यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो अभी देखते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। तो देखो ये गड़बड़ हो रही है, बट कोई नहीं, इसको हम फिक्स करेंगे कैसे भी करके। पहले देख लेते हैं यहाँ पर हम कितना हद तक सही कर सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर मुझे रिपेयर का ऑप्शन दिख रहा है नीचे, तो देखते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पर मैंने इरेजर को सिलेक्ट किया और देखते हैं शायद इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे तो इतना पार्ट ये थोड़ा, हाँ ठीक है थोड़ा ठीक हुआ, इसको और ट्राई करके देखते हैं एक बार। अब ये तो गड़बड़ से आ रही है यार, एक बार और करके देखते हैं। तो ठीक है भैया, कर दिया हमने कालीन भैया को काय फ्रेम से। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, थोड़ी सी गलती हो गई थी, फिर से इसको फिक्स करते हैं। अब एक बार ध्यान से करते हैं फिर से हम। अभी इस बार है ना हम ब्रश की जगह पर लेजो की जगह पर ब्रश को सिलेक्ट करते हैं, और अब देखते हैं कालीन भैया कैसे निगायब होते हैं। ये हमने सिलेक्ट किया और ये दबाया गो, अब देखते हैं क्या होता है। अबे ये क्या यार, कालीन भैया तो ट्रांसफॉर्म हो गए मुन्ना भैया में यार, हमको तो गायब करना था। ठीक है कोई बात नहीं, अब हम फिर से एक बार मुन्ना भैया को गायब करते हैं ब्रश सिलेक्ट करके। ओरिजिनल वाले को मत गायब कर देना भाई, ये जो डुप्लीकेट मुन्ना भैया गए उनको गायब करना है। यहाँ पर फिर से ब्रश सिलेक्ट किया और यहाँ पर ये सिलेक्ट करते हैं मुन्ना भैया को हम। ठीक है, इतना ही सिलेक्ट किया, हाँ ठीक है, एक बार और करते हैं, सही जा रहा है काम, वेरी नाइस। देखो इतना पार्ट हम फिक्स कर लेंगे बाद में, इसकी टेंशन मत लो आप, मेरे पे छोड़ दो, मेरे पे भरोसा करते हो ना। लाइक कर दो बस वीडियो को जब तक आप, यहाँ पर जब तक हम गायब करते हैं थोड़ा। ठीक है, इतना काफ़ी है।
तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा बैकग्राउंड एक फेक टाइप सा क्रिएट करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पर जितना इतना पार्ट गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा हमको फेक थोड़ा सा क्रिएट करना पड़ेगा। यही एक तरीका है। तो बाकी का काम हम पिक्सल लैब करके जो एक एप्लीकेशन है उसमें करेंगे। तो उसमें सबसे पहले तो आप है ना, यहाँ पर जो फोर्थ वाला ऑप्शन है नीचे से, यहाँ पर से क्लिक करके जो रीटच वाली एप्लीकेशन से हमने सेव किया था उस इमेज को इंपोर्ट करो। ये जो गड़बड़ सी थोड़ी सी हो गई, अरे बच गई थी, इसको भी हम फिक्स करते हैं। तो अब आप इसको इमेज को देख कर क्या कह सकते हैं कि इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? इसमें हम एक ही चीज़ कर सकते हैं कि जो पेड़ का नीचे का पार्ट है उसको लगा सकते हैं हम वहाँ पे, ताकि वो ज़्यादा ध्यान ना जाए लोगों का उस जगह पर। तो यहाँ पर मैं एक ट्री की इमेज को इम्पोर्ट करता हूँ अंदर, और उसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेता हूँ मैं। यहाँ एक इरेज कलर का ऑप्शन है वहाँ पर से, ठीक है। अभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो अभी है ना, इसको आप सही पोजीशन पर लगा दो, जहाँ जहाँ पर मिस्टेक थी उसको ये कवर कर लेगा एज अ मास्क। तो अभी इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा नकली सा लग रहा है इसका, क्योंकि पेड़ का कलर थोड़ा सा अलग दिख रहा है। तो आप क्या करो, यहाँ पर इस पेड़ को सिलेक्ट करो और इसके कलर्स में जाओ। कलर्स करके एक ऑप्शन होगा कलर फिल्टर करके, तो वहाँ पर से इसकी थोड़े से हम कलर ग्रेडिंग करेंगे। ये रहा कलर फिल्टर करके ऑप्शन। यहाँ पर से थोड़ा सा ह्यू कम ज़्यादा करके ये भी देख लेना एडजस्टमेंट। तो आप टेंशन मत लो, आपको मैं ऐसी की ऐसी पिक भी साथ में दे दूंगा जहाँ पर मैं बाकी चीज़ें दूंगा, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, वैसे तो हमें पिक्सल लैब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पर ये इमेज ही कुछ ऐसी गड़बड़ वाली थी। दूसरी कोई सी भी क्लिप अगर हम यूज़ करते तो उसमें सिर्फ रीटच ऐप से ही हमारा काम हो जाता। बस थोड़ा सा और इसको फिक्स करता हूँ मैं, और इसके बाद कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। क्रॉप किया था मैंने इसको, अब ये मीम के लिए पूरी तरह से रेडी है। और कोई नहीं बोल सकता कि इसमें पहले कालीन भी अभी एग्जिस्ट करते थे। तो वापस से हम अपना काइन मास्टर ऐप ओपन कर लेते हैं। तो अब जो वो इमेज थी जो हमने स्प्लिट करके फ्रीज करी थी, उसको हम डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर से लेयर में जाएंगे हम, और पहले इसको बड़ा कर लिया थोड़ा सा मैंने। अब क्या करना है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाकर के वो जो न्यू हमने पिक्सल लैब से जो इमेज क्रिएट करी थी जिसमें कालीन भैया को हमने टाइप कर दिया है, उसको इंपोर्ट करना है। बहुत बढ़िया। अब जो है ना, सबसे मेन काम करना है अपने को, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करो, और इसमें से कुछ ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। तो इसमें से वो पार्ट को सिलेक्ट करना है जिसमें कि जो वाइट पार्ट है वो लेफ्ट साइड है, मेरा मतलब ये वाला। और बस इस एरो से थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर दो। तो लेफ्ट साइड है जो हमारा वो फेक जो हमने क्रिएट किया था वो है, और राइट साइड जो है वो नॉर्मल हमारा वीडियो बाकी का चल रहा है, ठीक है। अब हमको एक चीज़ करना है कि इसमें हमको जो शूट किया था और बॉडी गिरी थी वो अलग सीन ऐड करना है। तो ये देखो, उससे पहले हमारा जो ओरिजिनल था, पहले कालीन भी आते, फिर प्ले करो इसको। तो अभी सीन में क्या दिख रहा है कि ये गायब हो गए एकदम से, तो ये भी जमेगा नहीं अपने को, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, और यहाँ पर से एक सीन में स्प्लिट कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ से हम एक काम करेंगे, थोड़ा सा जूम कर देंगे जिसमें कालीन भैया दिख ही नहीं रहे, पर लोगों को लगेगा कि ये एक दूसरा सा कैमरा एंगल है, ठीक है। तो ये देखो, इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ रहे ना कालीन भैया, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और इक्वल टू वाला बटन ध्यान रखना दबा हुआ रहे, और इसको जूम कर दिया ऐसा, बस इतना कि कालीन भैया हट जाए उस एंगल से। तो ये देखो, ये प्ले हुआ, ये एक एंगल, ये एक दूसरा एंगल, और यहाँ पर हम शूट कर देंगे कालीन भैया को, तो नॉर्मल लगेगा सब कुछ। तो बस अब हमको बॉडी को शूट आउट करवाना है, तो उसके लिए क्या करो आप, बस एक बार एक और एप्लीकेशन में पिक स्टार्ट करके उसका हम थोड़ा सा यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद कोई सी भी एप्लीकेशन हम यूज़ नहीं करेंगे पक्का। आप उसको ओपन कर लो, पिक स्टार्ट एप्लीकेशन को। अब इस पिक स्टार्ट एप्लीकेशन में बस आपकी इमेज को सिलेक्ट करके ओपन करो, और यहाँ पर कटआउट करके एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करो। तो इस कटआउट वाले ऑप्शन में आपको पर्सन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे हम, तो ऑटोमेटिक पर्सन को डिटेक्ट कर लेगा। पर यहाँ पर दो थे तो ये कन्फ्यूज़ हो चुका है, तो यहाँ से इरेजर से मुन्ना भैया को यहाँ से हटा देंगे, तो अपने को सिर्फ कालीन भैया चाहिए। और थोड़ा सा करेक्शन कर लो, जैसे उनके सर का थोड़ा सा ज़्यादा सिलेक्ट हो गया एरिया, और ये कपड़ा थोड़ा सा रह गया। तो ये करेक्शन करने के बाद यहाँ पर इसको ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद इसको यहाँ से सेव कर देंगे हम, और ये जो एरो दिख रहा है ऊपर, यहाँ पर से क्लिक करके इसको गैलरी में भी हम सेव कर लेंगे हमारी। यार उससे पहले एक चीज़ मैं करना भूल गया था, इसमें हमको क्या करना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन में भी जाना है, और एक मोशन ब्लर करके ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसको बहुत ज़रूरी है ये ऑप्शन, क्योंकि एक तरह से हमको दिखाना है उसको मोशन में गिरते हुए। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको ब्लर अच्छा खासा कर लेना, मोशन ब्लर, ठीक है, और फिर उसके बाद सेव करना सेम तरीके से। चलो ठीक है, अब इसको हम काइन मास्टर में ओपन करेंगे, वहाँ से अब कंटिन्यू करते जहाँ पर हमने छोड़ा था। अब हमको कोई भी एप्लीकेशन फिर से ओपन नहीं करना, तो लेयर में से जा करके इस पिक को हम वहाँ पर इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर। अब इसको अच्छे से हम है ना फिट कर लेंगे फ्रेम में,
और इसके लेफ्ट पार्ट पर आप ध्यान मत दो बिल्कुल भी, क्योंकि इसको हम क्रॉप कर लेंगे बाद में, पर अभी मेन एकदम बीच वाले पार्ट पर ध्यान दो। अब जो आपकी जो कटआउट थी कलीन भाई की, उसको एकदम स्प्लिट कर लेंगे जितना छोटा हो सके उतना, क्योंकि हमको जल्दी से गिराना है तो बहुत कम देर के लिए वो रहेगा फ्रेम में, इतना ठीक है। गाइस अब हमें करना है एनिमेट, हमें गिरता हुआ दिखाना है तो उसके लिए हमको एनिमेट करना पड़ेगा। तो एनिमेट कैसे करते हैं चीज़ों को, उसके लिए मैंने एक वीडियो डेडिकेटेड बनाई है, तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो की लिंक दे दूंगा मैं, तो उसको देखना। आप मीम के थ्रू बहुत ईजिली समझ जाओगे एनिमेशन का फंडा क्या है। तो मैं इसको एनिमेट कर रहा हूँ, की फ्रेम से यहाँ पर एनिमेट करेंगे, की वाला ऑप्शन था। तो देखो बीच में जा करके की फ्रेम सेलेक्ट करेंगे हम, और इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे और आड़ा कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है। और लास्ट में जाके एक और की फ्रेम हम सिलेक्ट करेंगे बाद में। हाँ यहाँ पर आ गए हम, इसको क्लिक किया, एक की फ्रेम ये हो गई। अब लास्ट में की फ्रेम में हम इसको एकदम फ्रेम से बाहर कर देंगे, पर थोड़ा सा झुका कर, लेफ्ट साइड टिल कर कर, ठीक है। तो ये एक तरह से इसको प्ले करेंगे तो ऐसा लगेगा कि मतलब बंदा पहले नीचे हुआ थोड़ा सा और गिर गया एक तरह से। देखो इसको प्ले करके देखते हैं, अभी इसकी स्पीड है ना थोड़ी सी कम है, और अभी ये इसमें प्ले ऐसा हो रहा है गाइस, जिसको एक्सपोर्ट करेंगे ना तो ये बहुत स्मूथली होगा, बट टेंशन लो उसकी। तो इसको हमने छोटा कर दिया था तो इसकी स्पीड भी ऑटोमेटिक मतलब ज़्यादा होगी थोड़ी। तो ठीक है अभी जितना भी पार्ट हुआ है इसको पहले एक बार एक्सपोर्ट कर लो, फिर बाकी का पार्ट हम करते हैं अभी। तो अब हम एक न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इस बार पर 1:1 वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे हम, क्योंकि हमको उसको क्रॉप करना था। आपका मन आप उसमें भी क्रॉप कर लेना नॉर्मली। तो सीजर वाले ऑप्शन के साइड में जो ऑप्शन है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टू वाला बटन प्रेस करेंगे और अंदाजे से थोड़ा सा इसको जूम कर देंगे कि जो कालीन बैग के पीछे का जो सीन बच रहा था लाइक ये वाला, हाँ अभी ठीक लग रहा है ये, मतलब उसके पीछे का हमको छुपाना था एरिया बस, और कुछ नहीं। तो अब हमको गन का फ्लैश यहाँ पर ऐड करना है कि ऐसा लगे कि गन चली है। तो उसके लिए क्या करो आप, उस जगह पर आकर लेयर में जा करके मीडिया में जाओ और येलो कलर का कोई सा भी जो फ्लैश से मैच होता हो कलर हो उसको हम सिलेक्ट कर लो। ऐसा तो PNG भी मैं आपको दे दूंगा, वो यूज़ कर लेना यार फ्लैश की, पर अभी मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ ऐसे ही फटाफट। क्रॉपिंग वाले ऑप्शन में जाओ, मास्क पर क्लिक करो और या तो सर्कल या स्टार वाला ऑप्शन कोई सा भी सिलेक्ट कर लो, और फेदर एकदम इसका बढ़ा दो, ठीक है। ये स्टार वाला ऑप्शन में सिलेक्ट कर लेता हूँ, फेदर एकदम इसका बढ़ा दो, ठीक है इतना भी करेंगे तो दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर जा करके इसको गन की जगह पर इसको लगाना है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, या तो ओवरले कर दो या कोई सा भी थोड़ा सा जो भी इस पर सूट करे, ओवरले ही ठीक था तो ये एकदम मिनी सेकेंड के लिए रहेगा, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा देर तक तो नज़र जाएगी नहीं, तो ये इसको हम छोटा कर लेंगे एकदम। ये देखो अब लग रहा है ना ठीक ठाक एकदम, ये प्ले करा ये। बस इसमें साउंड डालने की देरी है एक, और एक और चीज़ मिसिंग है यहाँ पर कि जो जब मतलब गन लग रही है तो जो थोड़ा सा ब्लड अगर रहता तो और रियलिस्टिक लगता, ठीक है। तभी हम ब्लड इफेक्ट भी यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये इमेज जो है, हाँ ठीक है, अभी मैंने आपको बोला था कि मैं सारी चीज़ आपको दूंगा कहाँ पर, तो इसमें जो जो भी इमेजेस हमने यूज़ करी है 2-3 वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा। टेक्निक इनाफ से है मेरा ग्रुप, लिंक भी दे दूंगा तो ज्वाइन कर लेना। उसमें काफ़ी सारे मीम टेम्पलेट्स भी है जो आपके काफ़ी काम आएंगे मीम के लिए, वहाँ पर मैं मेरे ट्यूटोरियल की अपडेट भी देते रहता हूँ जब भी कोई नया डालता हूँ। तो लेयर में जाकर के वो इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट करना है ब्लड वाली, तो इसको थोड़ा सा सिर के पास में लगाना है यहाँ पर से। इसको भी हम एनिमेट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि है तो इमेज, तो इसको लाइव बनाने के लिए थोड़ा कि इस टाइप से पहले छोटा रहे फिर एकदम से बड़ा हो जाए, तो ऐसा लगेगा कि अपने ऊपर कैमरे के ऊपर आ रहा है ब्लड इफेक्ट। तो इसी पोजीशन में इसको भी एनिमेट करेंगे सेम वे में, तो स्किप कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं इसको। इसमें ब्लड में थोड़ा सा रियलिस्टिक इफेक्ट डालने के लिए इसका ब्लेंडिंग मोड में थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ यहाँ पर से, देखते कौन सा अच्छा लग रहा है। तो ये वाला मुझे सही लगा था, थोड़ा सा इसका एडजस्टमेंट भी मैं चेंज करूँगा, इसका लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा कम कर दूंगा। हाँ अब ये एकदम रियलिस्टिक कलर दे रहा है ब्लड का। तो बस एक ही काम इसमें रह गया है, वो है साउंड इफेक्ट्स वगैरह। तो वो यार आप मन से यूज़ कर लेना जो भी आपको पसंद का यूज़ करना हो, वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं भी जो ओरिजिनल था उसका वही यूज़ कर लेता हूँ।
और हाँ भाई, क्रेडिट देना था और शाउट आउट देना था, तो भाई क्रेडिट तो अपने पंकज एडिट्स को भाई, जिनका ये वीडियो था, इंस्टाग्राम पर जाकर आप उनको फॉलो कर सकते हो। तो भाई अब कुछ शाउट आउट दे देते हैं दो तीन लोडो को। तो भाई पहले तो आते हैं अपने अल्फा लीजेंड्स, भाई बिग शाउट आउट अल्फा लीजेंड्स। इसके बाद आते हैं गाइस द आर्यन टॉक्स, इनको भी बिग शाउट आउट, भाई भाई को फॉलो भी कर लो। और भाई एक और बंदा है, रुको जरा सबर करो, हाँ ये यूज़र नेम है उसका, तो इसको भी जाके फॉलो करो, बहुत अच्छे मीम्स बनाता है, मैंने देखे थे। तो अब एक बार हमारा प्ले करके देखते हैं कैसा बना है वीडियो। तो भाई मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना सब्सक्राइब किया या नहीं और क्या अच्छा लगा वीडियो में। और हाँ एक और बात, देखो वीडियो की अपनी ज़्यादा रीच है नहीं इसलिए व्यू कम आते हैं, तो अब आपका काम है इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, तो मुझे भी थोड़े व्यूज़ मिले यार। और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड टेक्निकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना फिर से।